another vlog. So guys, आज का दिन जो होगा वो बच्चों जैसा होगा, because I wanna be a kid again, और I will be exploring logics का सारा kid section. तो अभी तो मैं झूले के पास सिर्फ खड़ी हूँ, but ऊपर में जितना भी kid section है ना, fun zone है ना, I'm gonna explore that. और मैं ऑफिस के लोगों को तो engage करूंगी ही करूंगी, but obviously for that, stay tuned guys. सो गाइज लेट्स गो इन फन जोन. और यहाँ पे मैंने पहले कुछ देखा, मुझे ये तो नहीं पसंद आया, फिर मैंने सोचा चलो आगे बढ़ जाते हैं. तो आई एम गोना एक्सप्लोर दिस शॉप नाउ. और यहाँ पे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बाइक दिखी थी, जहाँ पे मैंने परमिशन ली कि मैं आई सिट. तो यहाँ पे मैं बैठी और आई वॉज ट्राइंग टू यू नो जस्ट इन्जॉय, बट मैं गेम तो नहीं खेल रही थी, बट आई वॉज इन्जॉइंग. और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था बच्चा बनकर, यू नो. और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लिप भी हुई थी, आई नो. तो यहाँ पे उसके बाद वापस से आई ट्राई टू बी लाइक चलो आ जाओ मेरे राइट पे, कोई चलना चाहेगा, बट एवरी वन रिफ्यूज्ड गाइज, सो दिस इज तो रियली सैड. उसके बाद हमने सोचा चलो यार यहाँ से हटते हैं और कुछ और देखते हैं. तो आई वॉज तो रनिंग. और आज मैंने आप लोगों को कहा आई वॉन्ट बी अ किड, तो मैं वैसे ही थी. ये बॉल यार मेरे पास तो कार्ड ही नहीं है खेलने का, बट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लोर और दिखाऊं दैट यहाँ पे कौन कौन सा सेक्शन और यहाँ पे क्या क्या है. और यहाँ पे मुझे प्ले करना था, बट यहाँ पे मुझे वो स्कोर क्या बोलते हैं, आई वॉज नॉट हैविंग दैट डाइस टू प्ले. और उसके बाद हम लोग सर्च कर रहे थे कि कहाँ ढूंढे, पर वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे भी लॉक्ड है, तो वहाँ से भी भाग गए. बट यू कैन सी कि यहाँ पे क्या क्या है और यहाँ पे क्या क्या आप खेल सकते हो. तो मेरे यहाँ वेट से कुछ भी नहीं हिला, बट मेरे वेट से कुछ तो हुआ था यहाँ पे. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हर्ष पता नहीं फ़ोन में कुछ कर रहा था. फिर ये भी सेक्शन देख लो गाइस. और अब तो बस यार चल नहीं पा रहे, जल्दी आओ. अबे आई डो लव दिस मोमेंट. हर्ष अंजलि दी, मैंने आपको गिरा दिया, कैसा लगा? नहीं, बहुत मजा आया. गिर के सो गाइज मी एंड अंजलि दी इज नाउ एंटरिंग हैमलीज. और यहाँ पे तो बहुत इंटरेस्टिंग गैजेट्स थे. और हमने यहाँ पे पहले बबल्स के साथ थोड़ा फन किया, थोड़ा इन्जॉय किया. उसके बाद हम आगे बढ़े. आगे बढ़ते ही मुझे क्यूट सा ये गाड़ी दिखा. और ये मेरे घर में मेरे बच्चों के पास भी, आई मीन मेरे बच्चे इन द सेंस मोहतशिम, जुनैरा, इवन माहम के पास भी है. तो आई वॉज तो प्लेइंग इट. और ये बहुत ज़्यादा छोटा था यार, बट आई डोंट नो वट एम आई डूइंग, बट आई एम kid for a day, so don't judge me guys. And I to be this way only, I don't want to grow up. और उसके बाद फिर मैंने इसके साथ इन्जॉय किया. और यहाँ पे मुझे डर था कि मैं स्लिप ना हो जाऊँ, बट स्लिप तो नहीं हुई थी, बट थोड़ा सा इन्जॉय किया. और उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया. एंड देन मेरे को लगा ओह शिट, दिस इज़ तो रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए था. फिर मैंने उसको सेफली रखा. एंड देन आफ्टर दैट मैं यहाँ पे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा गेम देखा. मुझे आई तो रिमेंबर इसको शायद फुटबॉल वाला गेम है ये, बट यहाँ पे बॉल्स नहीं थे, तो वी वर जस्ट ट्राइंग. और उसके बाद अंजलि जी ने मुझे कुछ इशारा किया दैट उस कार में बैठ जाओ. तो मैंने सोचा बैठ जाते हैं, बट मुझे लगा वो बहुत छोटा है. बट यू नो उमरा कैन डू तो एनी थिंग. तो फिर मैं बैठ गई और मैं अटी तो बिल्कुल भी नहीं, मैं फिक्स भी नहीं हुई, मेरा एक पैर बाहर ही है. और आई वॉज ट्राइंग कि वो चल जाए, बट फिर भी गाइज देख लो मैं क्या ही कर रही हूँ आज. कुछ तो कर रही हूँ, बट जो भी कर रही थी उसमें मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था. और मैं और मेरे साथ साथ जितने भी आसपास के लोग थे वो हंस रहे थे. तो यू नो यू कैन मेक अदर लाफ. तो आज तो मैंने मतलब बच्चे का ना कोई भी रूप नहीं छोड़ा. बच्चे ऐसे ही करते ना, पेरेंट्स आते नहीं जाओ, वो चीज़ नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो. तो आई वॉज टू डूइंग द सेम. और प्रैम में भी मैंने सोचा बैठ जाऊँ, बट इसमें तो मैं बिल्कुल ही फिक्स नहीं हुई, बिकॉज 9 months क्रॉस हुए हुए बहुत टाइम हो चुका है. एंड देन आई वॉज ट्राइंग टू शो यू ऑल कि देख लो यहाँ पे कैसा स्टोर है. टेडी बेयर तो सबका प्यार ही होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है. तो कोई मुझे गिफ्ट कर देना जो भी ये ब्लॉग देख रहा है. और फिर मैंने ये अंजलि दी को भी दिया कि लो लो आप. बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए. मैंने कुछ बोला होगा, बट आई डोंट रिमेंबर कि मैंने क्या बोला. वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे. एंड देन फिर मैंने भैया को बोला जल्दी से शॉप की ग्लिम्स दिखा लो, तो आप लोग भी जल्दी से शॉप की ग्लिम्स देख लो. टाटा.
गाइज यहाँ पे आप W के न्यू कलेक्शंस देख लो और उसके साथ साथ आप डिफरेंट ब्रांड्स के भी कलेक्शंस देख लो। तो आपको मैं दिखा रही हूँ छोटे छोटे से ग्लिम्स गाइज, और देख लो अच्छे से एंड देन आप थोड़ा मॉल का भी व्यू ले लो, मजा तो ले ही लो यार घर बैठे बैठे। गाइज हम लोग आ गए हैं स्मार्ट बाजार कुछ खरीदने। कौन दिलाएगा मुझे? गोपी भैया मुक्का? हाउ मीन। अंजलि दी ले लाओगे ना, आप मुझसे बड़े हो। हाँ यार ले लेना जो लेना, वीडियो के लिए नहीं सच में। अब मुझे उसका बिल भी चाहिए। देखो गाइज ये वो है, स्कैम है स्कैम। हर्ष कहाँ गया? तू दिलाएगा मुझे कुछ? क्या लेगी बोल? बोल तो सारे वीडियो में ऐसे रहे जैसे यू वॉन्ट टू सब्जी। नो आई डोंट वॉन्ट टू सब्जी, आई वॉन्ट चॉकलेट। देखते हैं गाइस कौन मुझे क्या दिलाता है, लेट यू ऑल नो। सो गाइस दिलाया तो कुछ भी नहीं, और यहाँ पे हम लोग आ गए थे की चेन के सेक्शन पे, और गोपी भैया कुछ अपने लिए डिसाइड कर रहे थे। और यहाँ पे ये छोटा सा सेक्शन देख लो गाइस चटपटी का, तो मजा आया। एंड देन उसके बाद हम लोग अंजलि दी को ढूंढते ढूंढते ट्रेंड्स में आ गए थे, क्योंकि वो यहाँ पे थी, उनको कुछ कलेक्शन अच्छे लगे थे तो वो पूछ रही थी कि ले या नहीं ले। तो मैंने बोला देख लो, इफ़ यू लाइक तो आप ले लो। तो उन्होंने बोला अभी नहीं थोड़े दिन बाद लेंगे, तब तक आप लोग यहाँ पे देख लो। गाइस बात है ये दैट हम लोग वापस से जा रहे हैं अपने अंकल की शॉप पे जो है लेंस कार्ड। कल तो मैंने बोला था हम नहीं जा रहे, बट चश्मा बन चुका है तो हम चेक करने जा रहे हैं। और ये गोपी भैया तो पता नहीं, बस जब देखो पीछे 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 पीछे, है ना अंजलि दी? हाँ जब देखो हमारे पीछे ही होता है। दिस इज द सैड। सो गाइज एक्साइटमेंट के साथ अंजलि दी जा रही थी रिसेप्शन पे पूछने दैट मेरा चश्मा बन गया है या नहीं। तो उन्होंने जैसे पूछा तो बोला यस मैम बन गया, तो शी वॉज तो वेरी हैप्पी और फिर बोलती निकाल तो देखना है मुझे, और यहाँ पे मेरी ग्लिम्स देख लो, मैं तो यूं ऐसी ऐवी मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे अंजलि दी बहुत ज़्यादा खुश है। उसके बाद यहाँ पे मैंने किया आई टेस्ट जो करे थे गोपी भैया मेरा, और मुझे नहीं पता वो क्या देख रहे थे, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था अंदर बिकॉज सारी चीज़ें ब्लर ब्लर थी, बट वो कुछ ट्राई कर रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है यार कर लो कर लो, एंड देन मेरे दिख ही नहीं रहा है मुझे तो यार, और सच में मुझे नहीं दिख रहा था यार, मेरी आँख पता नहीं जा रही है अब। और वो बेचारे पीछे लेंस कार्ट वाले भैया देख रहे थे कि क्या पता ये लोग मेरा मशीन ख़राब ना कर दें। तो हम लोग बोल रहे थे कोई बात नहीं यार छोड़ो अब बहुत हो गया बस करते हैं। सो गाइज अब आप लोग फाइनल रिजल्ट देख लो, ये अंजलि दी का चश्मा है और वहाँ पे शिवी का भी चश्मा रखा। खुश चले, हमने अपने अंकल की शॉप से चश्मा ले लिया है और हमें चश्मा मिल भी गया है, बहुत जल्दी बन गया लेकिन ना हमने परसों दिया था आज बन गया। हर्ष चल, तेरी अभी सैलरी नहीं आई है तो चल। बाय बाय। वापस जाने से पहले दीदी बोल रही है मेरे चश्मे में मेरी शक्ल ले लो। वैसे तो चेन चेन सी लग रही है, बच्ची बच्ची सी। हाँ अरे शी इज तो आल्सो लाइक मी, हर लोग हंसते रहते ही। गोपी भैया इज सो बिजी, पता नहीं किस बात का बिजी है। बिजी ठग लाइफ। केक चाहिए मुझे, ये वाला कौन देगा? केक दे दो। नहीं दोगे गोपी भैया? हाँ गोपी भैया को कुछ हो गया आज, वो शांत शांत हो गया। गोपी भैया क्या हुआ? दिल गया। दिल तो जा, ये फिर खराब है। ओ भैया ये चल, नहीं पप्पाए मेरी याद करोगे दिल तोड़े के। कोई नहीं तोड़ा मेरा दिल। हुआ इकरार हुआ साइमा, यू लाइक दिस प्लेस? तो मैं वापस से तेरे लिए आई हूँ, आई तो लव यू। देखो तुम्हारा ये जगह। साइमा कुछ याद आया? लाइट ही नहीं है यार इधर ब्रो। कहाँ चले हम? वापस अपने कहाँ? अपने मंजिल की ओर। कर्म भूमि पे जा रहे हैं। कर्म भूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि, वर वर।
गाना भी नहीं आता. दिस इज सैड. प्यार इज तो दुख. प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत धोखा है. मत करो बेटा. सो गाइज, अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप लॉजिक जरूर आओ, उन्हें एक्सप्लोर कराओ, उनके साथ फन करो और बहुत मजा आने वाला है. और आज का दिन तो बहुत फनी था और बहुत मजेदार भी था. और अंजलि दीदी का फाइनली स्पेक्स आ चुका है, उन्होंने ट्राई भी कर लिया और शिवी है नहीं उसका भी आ चुका है. बट इट वॉज अ ग्रेट डे ऑल टूगेदर. सो गाइज, आई हैड सो मच फन. सो यस गाइज, आई होप यू लाइक माई ब्लॉग. इफ यू लाइक माई ब्लॉग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. And thank you so much for watching this video. Thank you. और आज गोपी भैया नहीं है मुझे इरिटेट करने को. So bye bye.